सो गाइस, आज बात करने वाला हूँ यामा R15 के तीन ऐसे रीजन के बारे में जिसके लिए आप लोगों को यामा R15 परचेस नहीं करना चाहिए। पहले नंबर की डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका जो है सीटिंग पोस्चर, बहुत ज्यादा एग्रेसिव सीटिंग पोस्चर की होने की वजह से लॉन्ग टूर पे इसको नहीं लेके जा सकते। और गाइस, अगर आप लोग सिटी में भी आधा एक घंटा राइड करते हो ना, तो आप लोगों को बैक पेन और शोल्डर पेन हो सकता है। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर पे है गाइस इस बाइक का जो है प्राइस। 150 सीसी होने के बावजूद भी इस बाइक का जो है प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, 2 लाख के ऊपर शायद से आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोगों का बजट 2 लाख है तो गाइस इस बाइक को मत खरीदो। सो गाइस, अगर मैं इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करूं तो जो मुझे लगा है वो है गाइस इसका जो इंडिकेटर्स थोड़ा बेटर हो सकता था, क्योंकि अभी हर बाइक पे आप लोगों को LED इंडिकेटर्स देखने मिल जाता है, अब इस बाइक पे आप लोगों को नहीं मिलता है, हैलोजन मिलता है। सो गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।